सो भाई लोगों, मेरे पास बहुत समय से कमेंट आ रहे थे कि यार कोई बजट फ़ोन बताओ, कोई सस्ता सा डिवाइस बताओ जो कि 10,000 रुपये से कम की रेंज में आ जाए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है, क्योंकि ये जो मैं मॉडल लेकर आया हूँ ये पैनासोनिक का एक डिवाइस है, काफ़ी अच्छा डिवाइस है और इसमें जो रैम वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है और स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। तो वीडियो को देखते रहें, आगे हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हमारे को स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो यार काफ़ी अच्छा वो डिवाइस होने वाला है, ये बिल्कुल आपके लिए। आप अगर बजट में कम प्राइस में अगर फ़ोन परचेज करना चाहते हैं तो रिकमेंड करूंगा यार ये वाला फ़ोन आप परचेज कर सकते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और ज़्यादा समय नहीं ख़राब करता मैं, फ्लिपकार्ट का ऐसे ही ये बॉक्स है तो इसके अंदर यही कुछ एक और बॉक्स अंदर मिल जाएगा। तो फटाफट से आ जाते हैं हम अपने डिवाइस पर, जो कि डिवाइस का बॉक्स है ये पैनासोनिक एल्यूगा रे 810। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें हमारे को क्या चीज़ स्पेसिफिकेशन नहीं मिल जाती हैं। सो हेलो गाइस, आई एम मार्क एंड नाउ यू आल्सो वाचिंग एसएस मेंटेनेंस। तो फ्रंट साइड से बात करें तो ऊपर की तरफ हमारे को पैनासोनिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, सेंटर में हमारे एल्यूगा रे 810 मॉडल नंबर और फ्रंट साइड से फ़ोन कैसा दिखता है बैक साइड से वो मिल जाएगा, और इधर की तरफ पैनासोनिक की ब्रांडिंग और एल्यूगा रे 800 जो कि मॉडल नंबर है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाएगी हमारे को इधर की तरफ। और बैक साइड की बात करें तो हमारे को पैनासोनिक एल्यूगा रे 810 का हमारे को इसमें मॉडल नंबर वगैरह मिल जाएगा और कुछ और इन्फॉर्मेशन हाईलाइट्स हैं, जो कि 15.75 की हमारे को नॉच डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 6.20 की मिल जाती है हमारे को, 4GB रैम और 64GB रोम वाला हमारे को एक प्रोसेसर इसमें मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और 16MP और 2MP का हमारे को कैमरा, रियर कैमरा हमारे को मिल जाएगा और 16MP का ही फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और साथ ही साथ 4000mAh की बैटरी भी मिल जाती है इसमें। और जो प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमारे को इसमें रन करता हुआ दिखाई देगा और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बैक साइड में मिल जाता है और पाई पे एंड्रॉयड जो है पाई पर वर्क करता है। तो काफ़ी अच्छी इसमें स्पेसिफिकेशन दे चुके हैं ये। तो पैनासोनिक का कुछ इस साइड से हमारे को IMEI मिल जाएगा और बैक साइड से कुछ और स्पेसिफिकेशन जो इसमें हमारे को क्या क्या मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी वगैरह जो भी लिखा हुआ है सब इधर की तरफ हमारे को मिल जाएगा। बस और तो कुछ नहीं है, बॉक्स में सेम वही है, ऊपर नीचे आगे पीछे सबसे आपको दिखा चुका हूँ। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं हम अनबॉक्स। तो फटाफट से एक कटर उठा लेता हूँ, इसकी जो इसके पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है फटाफट से इसको करते हैं कट और अपना बॉक्स को खोलते हैं फटाफट से। तो फिलहाल ये हो चुका है, बॉक्स पे से पन्नी उतार ली है और अब ये सील लगी हुई है तो फटाफट से इन सील को भी कट कर देते हैं, एक ऊपर की तरफ इधर की तरफ सील लगी हुई है, एक इधर की तरफ लगी हुई है, तो फटाफट से इसको करते हैं कट। चलिए फ़ोन को कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्स। तो इसके बाद ये कुछ EMI स्टिकर मिल जाएंगे। तो इसके बाद हमारे को सबसे पहले फ़ोन अपना जो डिवाइस है पैनासोनिक का वो मिल जाएगा। तो कुछ फर्स्ट लुकिंग आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं काफ़ी, और काफ़ी हैवी तो नहीं है, मतलब बहुत लाइट वेट फ़ोन हमारे को इसमें मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है कि यार बहुत लाइट वेट दिया है इन्होंने। और अंदर देखते हैं और क्या चीज़ें हमारे को मिल जाती है। तो इसी के साथ हमारे को इसमें ये एक सिलिकॉन कवर मिल जाएगा, ये कुछ वारंटी कार्ड हैं इसी के अंदर, तो देख सकते हैं कुछ ये वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद हमारे को इसके अंदर एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा, तो इसको रखते हैं अभी साइड में, और साथ में एक सिलिकॉन कवर भी हमारे को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा कवर है, प्रोटेक्ट करेगा काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे को फ़ोन। तो फटाफट से मैं इसको लगा ही लेता हूँ अभी। इसके बाद कुछ ये यूज़र मैनुअल हमारे को इस फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं, तो यार बुक मिल जाती है यूज़र मैनुअल। अरे यार एक बात बताइए, चलिए इसमें मतलब यूज़र मैनुअल मिलती है यार, एक ही दे देते भाई साहब, दो दो यूज़र मैनुअल दे दी, मतलब फालतू हो रहा है पेपर, डाल दो भैया बस। चलो कोई बात नहीं, रखते हैं अभी इनको साइड। इसके बाद एक स्क्रीन गार्ड मिल जाएगा जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा स्क्रैच से अपनी स्क्रीन को, तो आप इसको लगवा सकते हैं या खुद भी अगर लगाना आता है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद मिल जाएगी हमारे को एक सी टाइप USB डेटा केबल, तो यार ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें हमारे को टाइप सी देखने को मिल जाता है, तो थोड़ी चार्जिंग भी आपकी फास्ट करेगा। साथ ही हमारे को एक ईयरफोन मिल जाएंगी जो कि बेसिक तो नहीं है, काफ़ी अच्छी यार बेस, मतलब देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी ईयरफोन मिल जाती है, तो पैनासोनिक जो है वो ईयरफोन भी देता है और भी काफ़ी अच्छी आपको देख सकते हैं एसेसरीज जो जो है सब चीज़ है पैनासोनिक हमारे को प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से। तो यार काफ़ी अच्छी ईयरफोन है, कोई बेसिक ईयरफोन नहीं है, बहुत अच्छी मैंने साउंड वाली मैंने चेक करी है यार, काफ़ी अच्छा साउंड है इसका। तो चलिए रखते हैं अब इसको भी साइड और चार्जर देखते हैं हमारे को कैसा मिल जाता है इसमें। तो भाई चार्जर जो है वो हमारे को मिल जाएगा इसमें 5V 2A का, तो यार सही है, कोई ज़्यादा
हैवी फास्ट चार्जर भी नहीं है और ना ही ज़्यादा कोई कम चार्जर है। सही है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर, बहुत सही चार्जर हमारे को इसमें मिल जाता है। मतलब फास्ट चार्जिंग तो नहीं करेगा, पर हाँ क्योंकि टाइप सी केबल है तो थोड़ा बेटर करेगा आपकी नॉर्मल वाले चार्जर से। तो बस और तो कुछ नहीं मिलता बॉक्स के अंदर, बॉक्स खाली है। तो फटाफट से मैं इसकी सफाई करता हूँ और आ जाते हैं अपने फ़ोन पर। तो पीछे की तरफ से आपको कुछ इस टाइप से डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि कलर है मेरे पास ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर आप इसको कह सकते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और ऊपर की तरफ साइड में आपको देख सकते हैं ड्यूल कैमरा आपको मिल जाएगा विद LED फ्लैश के साथ आपको मिल जाएगा। तो भाई राइट साइड आपको वॉल्यूम कीज़ और पावर कीज़ एक साथ मिल जाएंगी, तो काफ़ी हैंडी और काफ़ी अच्छा हो जाता है वही वाला यार, काफ़ी अच्छा हो जाता है इसको यूज़ करना। ऊपर की तरफ आपको एक हेडफोन जैक भी मिलने वाला है, तो यार ये और भी अच्छी बात है कि इसमें आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। तो भाई लेफ्ट वाली तरफ हमारे को एक सिम ट्रे मिल जाएगी, तो फटाफट से इसको निकाल के देखते हैं। तो भाई फटाफट से मैं इसको निकालता हूँ, निकल जा। और इसमें हाँ तो हमारे को मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा और हम ड्यूल सिम भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हमारे को देखिए 4 GB RAM 64 GB मेमोरी और साथ में हम डबल सिम और एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यार काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, और कुछ भी कमी हुई हो तो यार प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरे को कि ये चीज़ आपने नहीं बताया, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो स्क्रीन की बात करें तो यार इसमें हमारे को 6.20 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी और ऊपर की तरफ आपको एक रिसीवर मिल जाएगा और साथ में फ्लैश और एक सेंसर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ आपको इसमें LED नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और ऊपर आपको नॉच भी देखने को मिल जाएगी। तो नीचे की तरफ बात करें तो आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, माइक्रोफोन ग्रिल मिल जाएगी और साथ ही साथ सी टाइप का चार्जिंग जैक भी आपको इसमें मिल जाता है। सो गाइस करते हैं फटाफट से अपने फ़ोन को बूट। और जब तक ये बूट हो रहा है मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो थोड़ी सी इस वीडियो कर देता हूँ मैं फास्ट जब तक ये बूट हो रहा है। तो इसमें फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आ गया था, फटाफट से इसको भी मैं सेटअप कर लेता हूँ। फाइनली हमारा फोन हो चुका है बूट और फ्रंट साइड से कुछ इस टाइप से हमारे को UI देखने को मिल जाएगा। और फटाफट से चलते हैं इसकी सेटिंग में, सिस्टम में चलते हैं और अबाउट फोन में जाकर इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूं। तो जो हमारे को इसमें देखो ऊपर मॉडल नंबर दिख जाएगा, CPU जो हमारे इसमें वर्क कर रहा है वो हमारे को इसमें MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, साथ ही साथ रैम इसमें 4GB है और साथ में 64GB का स्टोरेज है। स्क्रीन रेजोल्यूशन देख सकते हैं और आप इसमें 6.20 इंच की डिस्प्ले का साइज भी देख सकते हैं। और एंड्रॉयड जो है वो पाई पे वर्क करता है, और सबसे अच्छी बात है कि आप जो इसमें एंड्रॉयड है वो अपडेट भी कर सकते हैं, जब अपडेट आएगा तो आप इसमें एंड्रॉयड अपडेट भी कर पाएंगे। और इसमें आपको क्यू का भी अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 10 हमारा आने वाला है, वो भी इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। तो भाई कैमरे की बात करें तो यार हमारे को जिसमें बैक कैमरा मिलने वाला है वो 16+2 MP का कैमरा मिल जाएगा और 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा है। तो कुछ फोटोज वगैरह मैंने इसमें क्लिक करी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और इसमें हमारे को काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, जो कि ब्यूटी मोड है या फिर HDR है या anyway बहुत सारे इसमें आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे हमारे को पोर्ट्रेट मोड है, तो सब चीज़ हमारे को इसमें मिल जाएगी। फ्लैश का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वीडियो और जो भी है आप देख सकते हैं सब आपके सामने है। तो कुछ इमेजेस हैं मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी इनडोर की भी और आउटडोर की भी, सब मैंने इससे क्लिक करी है आप देख सकते हैं। तो गाइस जो ये वीडियो शूट हो रही है वो इसी कैमरे से शूट हो रही है, इसी एल्यूगर रे 810 के कैमरे से वीडियो शूट हो रही है। अभी आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं और मेरी वॉइस भी आपको सही से सुनाई दे रही है या नहीं ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका फ्रंट कैमरे की एक बार देख लेते हैं कैसी है क्वालिटी। तो गाइस फ्रंट कैमरे की आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं और कैमरा देखिए मेरे से कितनी दूर है और आवाज़ भी आपको कैसी सुनाई दे रही है आप देख ही सकते हैं। तो इधर की तरफ फिलहाल मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सन जो है इधर की तरफ है और क्वालिटी आप देख सकते हैं सनलाइट में कितनी सही क्वालिटी है और क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी आ रही है। और वॉइस भी आप मुझे बताएं कि कैसी आपको सुनाई दे रही है इसमें फ्रंट कैमरे में, साफ़ आ रही है या नहीं, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस देखते हैं और क्या हमारे को इसमें मिल जाता है फ़ोन में। चलिए आ जाते हैं अपनी वीडियो पर।
तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो यार फ्रंट कैमरा हमारे को इसमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, और इसकी मैंने कुछ इससे भी मैंने कुछ इमेजेस क्लिक करी हैं, तो आप देख सकते हैं इमेजेस की क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है। और इसमें भी हमारे को पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट में फ्लैश भी मिलेगी जो कि इन स्क्रीन फ्लैश है, और सेटिंग में हम इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है इसमें फीचर्स। तो यार कुछ ये फ़ोटोज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है कैमरे की। तो भाई फिंगरप्रिंट भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए टैप किया और ये अनलॉक, टैप लॉक, टैप अनलॉक। तो हाँ थोड़ा सा बहुत माइनर सा फ़र्क है, मतलब थोड़ा सा स्लो है, बट लेकिन हाँ यार इस प्राइस रेंज में फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है तो यार काफ़ी अच्छी बात है, तो यार काफ़ी सही हो जाएगा। तो हाँ, और अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। और ये मैंने कितने का परचेज़ किया है तो ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है, तो ये मेरे को पड़ा है 7100 में। तो कैसे पड़ा है, तो यार ये डिस्काउंट इसका मैं एक मिनट समझाता हूँ देखो आपको पूरा। तो देखिए जैसे कि आप इसमें प्राइस देख सकते हैं, इसके अभी प्राइस जो थे वो थे 7999 जो सेलिंग प्राइस थे। तो इसके बाद जो हमारे को इसमें डिस्काउंट मिला है वो 10% डिस्काउंट मिला है इंस्टेंट, वो भी HDFC कार्ड से, क्योंकि हमने इसमें जो पेमेंट किया देखो नीचे आप देख पढ़ सकते हैं पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड, तो हमने इसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो हमारे को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया एकदम से ही, क्योंकि देखो 800 रुपये हमारे को डिस्काउंट मिले हैं। और आप देख सकते हैं अमाउंट जो हमारी अभी पड़ी है 7199, सॉरी मैंने पहले 7100 बोल दिए, तो ये हमारे को पड़ा है 7199 का। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको भी 800 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो बस आज के लिए इतने, मिलते हैं ऐसी की एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।